इस वक्त की बड़ी खबर कल सामने आ रही है। मध्यप्रदेश के सतना की निजी जमीन में गोबर फेंकी गई महिला के घर। पड़ोसी दिलीप तिवारी ने प्राण घातक हमला कर दिया। बचाव लिए गए पुत्र को भी जख्मी कर दिया। दोनों गंभीर स्थिति में आए। मामला सतना जिले के अमरपाटन थाना अंतर्गत ग्राम भरुआ केमला टोला की है, जहाँ एक महिला 5 जुलाई की सुबह लगभग 8 बजे घर से निकली अपनी जमीन पर गोबर फेंकने गई। अभी घात लगाए बैठे पड़ोसी दिलीप तिवारी के द्वारा गोबर फेंकने से मना किया। महिला ने कहा यह मेरी जमीन है। दिलीप तिवारी गाली गलौज करते हुए डंडे के फिर में काबर किया, काफी गाली गलौज भी किया। आरोपी के साथ राजीव तिवारी तिवारी वही अपनी माँ पर उन्होंने हमले को देख कर नीरज मिश्रा और प्रदीप मिश्रा बीच बचाव करने लगे। आरोपी दिलीप ने जान से मारने की धमकी दी। महिला के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसे गाँव वालों की मदद से अनुसंधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पाठ लगाया गया। यहाँ चिकित्सक की निगरानी में चांसी लगाई। उत्तर देवांशी को भी सिर में चोट आ गई है, जिसकी शिकायत थाना अंतर्गत मुकंदपुर चौकी में दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। अपने जमीन में गोबर में आके गयन पीछे से आए तो लपेट पारे, जैसे गोबर में के रीजन तैसे लपेट पारे। फिर हमारे एक डंडा पहले गोड़े में मारिस यदि लीप, फिर वह रजीप आवा तो हमारे का कहावा था लड़का आवा बचा में तो ओखा मार दिस डंडा तो वह बेहोश हो गया। फिर आए तो फिर हम ही कूचे लागे इतना डंडे डंडे मारिन कि हम भी होश हो गए। पकड़ पकड़ सा गले हम ही घसीटे रहे। रजीव संजू दिलीप सले के बिल्कुल घसीट घसीट फिर हमारे होश ही नहीं रहा। घसीटत घसीट बिल्कुल परास्त कह दी कहीं अठे गोबर हमारे अठे न में की आखिर माँ जमीन उतनों में हम ही कहीं निकाले हमें दिक्कत दे थी।